अटलांटिक महासागर में सतह से नीचे समुद्र तल में अज्ञात और कई रहस्यमय छेदे खोजे हैं। महासागर में सतह से 2.7 किलोमीटर नीचे समुद्र तल में इन छेद को देखकर वैज्ञानिक हैरान हो गए हैं। उन्होंने इसकी पहचान के लिए दुनिया से मदद मांगी है। खोजे गए ये सभी छेद एक सीधी रेखा में हैं, जिसकी वजह से वैज्ञानिक भी हैरान है। अमेरिका के नेशनल ओसेनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी फेसबुक अकाउंट पर इनकी तस्वीरें पोस्ट की है। समुद्र कई रहस्यों से भरा हुआ है, जिनसे वैज्ञानिक पर्दा उठाने की कोशिश में लगे हैं। रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे वैज्ञानिकों की नज़र अटलांटिक महासागर में इन रहस्यमय ही छेदों पर पड़ी। अब हैरान अमेरिकी वैज्ञानिकों ने दुनिया के एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों से इसकी पहचान के लिए मदद मांगी है। वैज्ञानिकों ने बताया कि महासागर की गहराई में जाने पर ये रहस्यमय छेद नजर आए। वैज्ञानिकों का कहना है, पहले भी इस इलाके में यह छेद दिखे थे, लेकिन इसके पीछे के रहस्य से अभी भी पर्दा नहीं उठ पाया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि महासागर की सतह में मिले ये छेद ऐसे दिखते हैं जैसे किसी इंसान ने बनाया हो। छेद का रिसर्च करने से पता चलता है कि इन छेदों को किसी चीज से खोदकर बनाया गया था। इन छेदों के मध्य अटलांटिक रिज क्षेत्र में खोजा गया था। नोवा ने बताया है, उनके गोताखोरों की एक टीम ने एक नक्शा तैयार किया है जिससे 3 बार में छेद की जांच की जा सके। वैज्ञानिकों ने इसकी जांच के लिए रिमोट व्हीकल का भी इस्तेमाल किया है। वैज्ञानिक अटलांटिक महासागर, अजोरस और दूसरे गहरे महासागरों के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते थे। वैज्ञानिकों ने इन रहस्यमय छेदों की तस्वीर शेयर कर लोगों से उनकी राय पूछी है। नोवा के फेसबुक पर तस्वीरें शेयर करने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कई लोगों का कहना है कि महासागर की गहराइयों में मिले छेद एलियन ने किए हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि किसी कंपनी ने सतह के सैंपल लेने के लिए ऐसा किया होगा। अटलांटिक महासागर में मिड अटलांटिक रेंज उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र 10,000 समुद्री मील में स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर धरती के सबसे ज़्यादा रहस्य छिपे हुए हैं। यह पूरा इलाका पानी में होने की वजह से इसकी जांच नहीं हो पाई है। अटलांटिक महासागर के अंदर क्या है? मध्य अटलांटिक महासागर में पश्चिमी अफ्रीका के तट से करीब 570 किलोमीटर दूसरा केपे वर्डे स्थित है। यह 10 ज्वालामुखी द्वीपों का देश है। यहाँ के मछुआरे अपने प्लास्टिक की नावों में मछली पकड़ने के लिए अटलांटिक महासागर में निकलते हैं। फॉकलैंड धारा, यह अटलांटिक महासागर में एक ठंडी सतह है जो दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट के साथ बहती है। फॉकलैंड करंट वेस्ट विंड ड्रिप की एक शाखा है और फॉकलैंड द्वीप से ला प्लाटा की खाड़ी तक फैली हुई है। फॉकलैंड वर्तमान में बहुत अधिक हिमशैल है। क्या आपको पता है अटलांटिक महासागर सबसे नमकीन क्यों है? वर्षा और वाष्पीकरण लवणता वितरण को निर्धारित करते हैं, जो जल धाराओं द्वारा भी निर्धारित होते हैं। उदाहरण के लिए, इस विसंगति को भूमध्य सागर के मजबूत वाष्पीकरण और उसमें से उच्च लवणता वाले पानी के निर्वहन द्वारा समझाया जा सकता है, जो उत्तरी अटलांटिक की लवणता को उच्च बनाए रखने में मदद करता है। अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा जानवर अंटार्कटिका ब्लू व्हेल है।
यह उत्तर अटलांटिक महासागर, नॉर्थ पैसिफिक, दक्षिणी सागर, हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। ब्लू व्हेल का वजन तकरीबन 4,00,000 पाउंड है। एक व्हेल 33 हाथियों के वजन के बराबर होती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।